फ्रेंड्स, तो अब बात आती है कि लुईस शू को हटा दिया, फ्रांस एक मोनार्शी रिपब्लिक की तरफ आ गया, लुईस शू को फांसी दे दी गई पब्लिकली, तो आपको एक लीडर चाहिए जो फ्रांस को चलाए, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हमारे सबका परसेप्शन ये रहता है कि जो हमें आजादी दिलाएगा वो हमें लीड करेगा। आजादी किसने लाई लगभग, मतलब मोनार्क के रूप से किसने फील करा? सेंट जैकोबिन क्लब ने। लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेसपियर। इसे ही बाद में फ्रांस की सत्ता मिल गई, पावर मिल गई। फ्रांस की पावर मिली 1793 में। होना तो ये चाहिए था कि फ्रांस को अच्छे से संभालता, फ्रांस का लीडर बनता, उसको सपोर्ट करता, हर चीज करता, और लोगों को उम्मीद भी एक चीज से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो लुईस 16 से भी खराब एक तरह से राजा निकला, और उसके एक तरह से डिक्टेटर बनना चाहा इसने फ्रांस का। ये चाहा कि मैं अब लीडर बन चुका हूं फ्रांस का एकमात्र, और अब मेरी जो मैं कहूंगा वही होगा, रात को दिन कहूंगा दिन होगा और दिन को रात होगा। कहने का मतलब यह है कि अपना रूल मैं फ्रांस पे थोपूंगा। क्यों? अच्छा देखिए, हेडिंग देखिए आप पेज नंबर 16 पर, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब कि आतंक का काल, ऐसा समय जिस आप फ्रांस में आतंक फैल गया, सब गलत होने लगा, मतलब फ्रांस के लिए, फ्रांस के लोगों की किस्मत फिर उनका साथ नहीं देगी क्योंकि लीडर उनका मिल गया। मैक्सिमिलियन रोबेसपियर के काल, मैक्सिमिलियन रोबेसपियर ने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई, यानी कि छोटे छोटे अपराधों की बड़ी सजा देता था, हर किसी को पकड़ता था, जेल में डालता था। इसके अंदर मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि फ्रांस में जेल ही कम पड़ने लग गए, तो आगे हम पढ़ेंगे, चर्चेस को बंद करवा देगा और उन्हें बैरक्स में, जीएस में कन्वर्ट करा देगा, जहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के डालेगा, चर्चेस तक बंद कर देगा, ये इसकी पॉलिसी रहेगी। सीवियर कंट्रोल पनिशमेंट अपनाया, जो इसके ग्रुप के सपोर्टर्स थे, जो सेंट जैकोबिन क्लब के लोग थे, जो इसके साथ थे, वो भी इसका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगे, साथ छोड़ने लगे, इसको अपोज करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलह साथ बैठते थे और ये अपनी बात करता था, 10 जने भी इसके अपोज में आते थे, इसके अगेंस्ट आते थे, उन्होंने पकड़ता था, जेल में डाल देता था। डेमोक्रेसी क्या है कि जो आपके अगेंस्ट हो उनकी बात आप सुने। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट जो पावर में है उससे ज्यादा मायने रखती है गवर्नमेंट जो अपोजिशन में है, क्योंकि वो जनता की बात करेगी, ऐसा माना जा सकता है। तो यहां भी लिखा कि उसके सपोर्टर्स ने जैसे उसके खिलाफ चलते थे उन्हें पकड़ता था, अरेस्ट करता था और जेल में डाल देता था। पीजेंट्स जो किसान थे उन्हें बोला गया कि आप अपना जो ग्रेन्स बेचेंगे उसी प्राइस पे देंगे, और गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। गवर्नमेंट ने बोला कि आपका ग्रेन जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलो उन्होंने उगाया तो हमें 10 रुपए किलो में चाहिए। अब उनकी मान लीजिए लागत ही 12 रुपए किलो है तो 10 रुपए किलो में क्यों देंगे, लेकिन बस अगर मैक्सिमिलियन रोबेसपियर ने किया दिया तो हो गया, है ना। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप, मतलब कि अपनी तानाशाही चलाने लग गया फ्रांस के ऊपर। वही बात मैंने पहले बोली, चर्चेस पर बंद करवाया, उसे बैरक्स में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। और एक और पॉइंट था कि इसने थोड़ा जो वो चीज एक्चुअली इक्वलिटी लाने के लिए इसने क्या करा कि फ्रांस में जो वर्ड यूज होते थे मॉन्सियर, मॉन्सियर बोला था सर के लिए, जो मेल लोग हैं उनके लिए, जो रिच क्लास है उनके लिए मॉन्सियर, और मैडम जो फीमेल के लिए बोला जाता था, उन दोनों को कन्वर्ट करा के इसने मॉन्सियर कर दिया सिटियन, और मैडम को कर दिया सिटियन। तो वो इसने इसलिए करा कि फ्रांस में सबको एक ही नाम से जाना जाएगा, अब कोई मॉन्सियर और मैडम नहीं होगा। ये आपके पेज नंबर 16 में लिख रहा है, मॉन्सियर जैसे सर बोले आता था और मैडम के यूज होता था जो फीमेल है, लेकिन सबको बदल के सिटियन और सिटियनी कर दिया, अब सब एक ही नाम से जाने जाएंगे। यानी कि फ्रांस में जो वीआईपी कल्चर था उसको इसने रोकने की कोशिश की, क्योंकि खुद भी गरीब क्लास से आता था, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता था, थर्ड स्टेट का पार्ट था, तो ये इसने फिर भी एक बार अच्छे से माना जा सकता है किया, लेकिन और भी कुछ कोई खास नहीं किया। फ्रांस के लोगों की अच्छी बात यह है कि इसका काल उनको जाया, इसका जो रेन ऑफ टेरर था आतंक का काल था, उन्हें जाया बैन देखना नहीं पड़ा 1793-1794 में। 1794 में कोर्ट ने इसको भी ट्रेजन के अपराध में या चिटिंग के अपराध में, डिस्क्रिमिनेशन के अपराध में जेल में डाल दिया, और ये भी अरेस्ट किया गया और बुलेटिन कर दिया। बुलेटिन मतलब कि इसको जेल में डाल दिया, फांसी दे दी गई। तो इसका भी काल ज्यादा नहीं रहा, एक साल रहा, अलग को एक साल भी रेन ऑफ टेरर, जो इसकी पॉलिसी की हार्ड डिक्टेटरशिप वाली, इसलिए वो आतंक का काल बनाया फ्रांस के लिए। अब फ्रांस में धीरे धीरे कोई लीडर नहीं बचा, लुई 16 गया, उसके मैक्सिमिलियन रोबेसपियर को चुना, वो भी गया। अब आए डायरेक्टली रूल करेगी फ्रांस को, वो हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे।